दिल्ली में 26 अप्रैल को मेयर का चुनाव होना है, उससे पहले पीठासीन अधिकारी को लेकर सियासी घमासान छोड़ा है। आम आदमी पार्टी सरकार ने मुकेश गोयल का नाम पीठासीन अधिकारी के तौर पर LGV के सक्सेना के पास भेजा, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुकेश गोयल के नाम पर LG सहमत नहीं है। मतलब पीठासीन अधिकारी को लेकर LG और दिल्ली सरकार में मतभेद है। पिछले चुनाव में भी दिल्ली सरकार ने पीठासीन अधिकारी के लिए मुकेश गोयल का नाम भेजा था, लेकिन LG ने मुकेश गोयल की जगह बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया था। यही वजह है कि अब सवाल ये उठ रहा है कि इस बार MCT मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन होगा, मुकेश गोयल या फिर कोई और। चौबीस तारीख हो गए हैं, यानी दो दिन के बाद मेयर का चुनाव होना है, लेकिन मेयर का चुनाव कौन करवाएगा उसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से जो नाम पीठासीन अधिकारी के तौर पर भेजा गया है, जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, LG को उनके नाम पर आपत्ति है। वही आम आदमी पार्टी लगातार मुकेश गोयल को लेकर LG ऑफिस पर दबाव भी बना रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि LG परंपरा को ना तोड़े, और मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कहा है कि दिल्ली सरकार जो नाम भेजती है उसको मानना LG के ऑफिस के लिए और LG के लिए बाध्यकारी है। और इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। बलराम, दो दिनों के बाद यानी कि ठीक 48 घंटे के बाद MCD मेयर के लिए चुनाव होना है, आज 24 तारीख हो गया और 26 को चुनाव होने हैं, अभी तक पीठासीन अधिकारी का मसला सुलझा नहीं है। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली सरकार ने पीठासीन अधिकारी के तौर पर मुकेश कुमार गोयल का नाम LG के पास भेजा है। अब इस प्रस्ताव पर LG मोहर लगाते हैं या फिर किसी अन्य को पीठासीन अधिकारी बनाते हैं, ये अभी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि अभी तक पीठासीन अधिकारी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि पिछली बार भी जब मेयर चुनाव होना था तब भी दिल्ली सरकार ने पीठासीन अधिकारी के तौर पर मुकेश कुमार गोयल का नाम LG के पास भेजा था, लेकिन LG ने उस प्रस्ताव को दरकिनार करते हुए सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया था। यही वजह है कि इस बार भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुकेश कुमार गोयल के नाम पर LG सहमति नहीं बना रहे हैं। यही वजह है कि कोई अन्य जो पीठासीन अधिकारी है वो बन सकता है, लेकिन आज पीठासीन अधिकारी के नाम का ऐलान होना है, और इसको लेकर के अटकलें तेज हो गई हैं कि आखिरकार जो मेयर चुनाव है उसे कौन पीठासीन अधिकारी बनकर संपन्न कराएगा। क्योंकि पिछली बार अगर हम बात करें तो सदन के अंदर काफ़ी हंगामा देखने को मिला था, पार्षदों में हाथापाई हुई थी, मारपीट हुई थी, और स्थिति ये थी कि सदन को शर्मसार होना पड़ा। तो इस बार जो पीठासीन अधिकारी है वो कौन होगा, ये एक बड़ी बात है, और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है पीठासीन अधिकारी के नाम में, उस पर सहमति LG की तरफ से होती है या नहीं होती है, यह भी एक बड़ा चैलेंज है। बार बार दिल्ली सरकार ये आरोप लगा रही है कि जो नाम दिल्ली सरकार की तरफ से भेजा गया है उस नाम पर सहमति देना LG का फर्ज है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आखिरी मुहर है वो LG को लगानी होती है। यही वजह है कि पीठासीन अधिकारी कौन होगा कौन नहीं होगा इसका अंतिम निर्णय जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना को लेना है, लेकिन दिल्ली सरकार बार बार ये कह रही है कि अगर मुकेश कुमार गोयल पीठासीन अधिकारी नहीं होते हैं तो जो उनके नाम की फाइल LG के पास भेजी गई है उस फाइल को राष्ट्रपति महोदया के पास भेजना होगा, और अंतिम निर्णय राष्ट्रपति महोदया लेंगी कि आखिरकार दिल्ली MCD चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन होगा। तो अब देखने वाली बात होगी, लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कुछ ही घंटों में जो पीठासीन अधिकारी के नाम का ऐलान है वो हो जाएगा, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि मुकेश कुमार गोयल पीठासीन अधिकारी होते हैं जिस नाम की सिफारिश दिल्ली सरकार ने की है, या फिर LG इस बार भी किसी नए को पीठासीन अधिकारी बना करके पेश करते हैं। जी नहीं, तो ये कब तक स्थिति स्पष्ट होगी बलराम?
देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शाम तक ये स्थिति साफ हो जाएगी कि दिल्ली का जो पीठासीन अधिकारी है वो कौन होगा और किसके नेतृत्व में दिल्ली का मेयर चुनाव संपन्न होगा। क्योंकि आपको बता दें, जो मेयर चुनाव है उसको संपन्न कराने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी के कंधों पर होगी। तो ऐसे में सदन की कार्रवाई किस तरह से चलेगी, किस तरीके से वोटिंग होगी, ये पूरी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी के कंधों पर होगी। इसलिए पीठासीन अधिकारी का नियुक्त होना बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए एलजी भी बार बार ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके की तस्वीरें पहले देखने को मिली हैं उस तरीके की तस्वीरें दोबारा देखने को ना मिले। इसलिए जो पीठासीन अधिकारी हो वो एक ऐसा पार्षद हो जिसके निर्देश पर सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से और सामान्य तरीके से चले। क्योंकि बार बार सदन की कार्रवाई पिछली बार स्थगित हुई थी और सदन को बार बार शर्मसार होना पड़ा था। तो यही वजह है कि उस तरीके की तस्वीरें दोबारा देखने को ना मिले। इसलिए पीठासीन अधिकारी को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति है और कुछ ही देर में जो सस्पेंस है वो खत्म होगा और पीठासीन अधिकारी के नाम का ऐलान होगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस बार एलजी साहब सरकार की सिफारिश को मानते हैं या दोबारा वो किसी अन्य को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करते हैं। जी ठीक है। अब लेकिन ये एक ऐसा मसला है क्योंकि आज एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले को लेकर भी सुनवाई होनी है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जिस तरीके से रुख रहा है, विशेष तौर पर हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट आ गया, सौरभ भारद्वाज ने भी एक तरीके से, रातिशी ने भी हमला बोला, तो ये एक नया अध्याय शुरू हो रहा है एलजी ऑफिस और सरकार के बीच लड़ाई का। देखिए, आपको बता दें कि जब एल्डरमैन यानी जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें एलजी ने नियुक्त किया था तभी दिल्ली सरकार ने उस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि जो एल्डरमैन होते हैं उनकी सिफारिश एमसीडी की तरफ से दिल्ली सरकार के पास आती है और दिल्ली सरकार उन नामों की सिफारिश एलजी के पास भेजता है और एलजी उस पर सहमति जताता है। लेकिन इस बार जो मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए हैं उन्हें डायरेक्ट एलजी साहब ने नियुक्त किया है दिल्ली सरकार को बाईपास करके। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मांग की है कि जिस तरीके से दिल्ली में मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए हैं वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, लिहाजा इस पर सुनवाई करते हुए। ठीक है बलराम, मैं आपको रोकूंगा।